Hi friends, welcome to your channel, you number one. Friends, Bollywood का किंग खान यानी शाहरुख खान ने 2018 में रिलीज हुआ जीरो फिल्म के बाद अभी तक उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहा है शाहरुख खान का अपकमिंग फिल्म के लिए। तो इसलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे शाहरुख खान का अपकमिंग फिल्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शाहरुख खान का अपकमिंग फिल्म को देखते हुए नंबर वन पे है पठान फिल्म। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी है और इस मूवी का डायरेक्टर है सुपरहिट मूवी और मूवी का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। आपको बता दें फ्रेंड्स, पठान मूवी का शूटिंग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण बंद हो गया था, लेकिन फिर से पठान मूवी का शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू हो सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहते हैं तो शाहरुख खान का मूवी पठान 2022 का ईद में रिलीज हो सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर टू में है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का अपकमिंग फिल्म, जिसका टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है फिल्म की स्टोरी लाइन पंजाब से कनाडा तक जाएगी। फिल्म में शाहरुख खान की भूमिका हमें हंसाने के साथ साथ भावुक भी कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के मुताबिक ये मूवी 2023 से 2024 में रिलीज हो सकते है। नंबर थ्री में है सनकी फिल्म। इस मूवी का लीड रोल में है शाहरुख खान एंड साथ साथ नयनतारा। इस फिल्म का डायरेक्टर है तमिल में बिगिल और मार्शल जैसे सुपर हिट फिल्म देने वाला तमिल डायरेक्टर एटली कुमार। एक कपड़े का मुताबिक सनकी मूवी 2023 का दिवाली में रिलीज हो सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर फोर में है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। आपको बता दें फ्रेंड्स, इस मूवी का डायरेक्टर और राइटर है आर मदबन एंड इस मूवी का लीड रोल में भी है आर मदबन एंड शाहरुख खान इस मूवी में एक छोटा सा रोल निभाने जा रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है एंड मूवी का रिलीज डेट 2021 का समर में बताया गया था, बट कोविड-19 के चलते इस मूवी का एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स, आर मदबन एंड शाहरुख खान का ये फिल्म 2021 का सितंबर में रिलीज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर फाइव में है डॉन 3 मूवी। फ्रेंड्स, 2006 में शाहरुख खान का डॉन मूवी के सक्सेस के बाद 2011 में शाहरुख खान का डॉन 2 मूवी भी हिट हुआ था इंडियन बॉक्स ऑफिस में। और अब इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट डॉन 3 मूवी भी बनने जा रहा है। इस फिल्म के बारे में भी अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिला है, लेकिन एक खबरे के मुताबिक इस मूवी का डायरेक्टर हो सकते हैं फरहान अख्तर और ये फिल्म 2024 से 2025 का दिवाली में रिलीज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है शाहरुख खान का टॉप 5 अपकमिंग फिल्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।